हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मेरा दूसरा लेक्चर है क्लास टेंथ का, और आज मैं बात करूंगा रिफ्लेक्शन और इसकी टाइप। सो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के हमारे कंटेंट हैं ल्यूमिनस सब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस सब्जेक्ट, नेचर ऑफ लाइट और ए ऑप्टिक्स, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड लास्ट वन पे है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अब है हमारे पास ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, ये स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर कोई भी चीज़, एनीथिंग, कोई भी चीज़ अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर देती है, और या तो वो लाइट मीटर होनी चाहिए, नंबर सेकंड, या तो वो रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होनी चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, वो चीज़ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। दोनों में से एक, दोनों में से एक चीज़ भी अगर हो गई तो हम क्या बोल देंगे, वो चीज़ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, सन भी, सन क्योंकि आपको पता ही है सन लाइट को इमिट करता है, स्टार है हमारे पास मीटर ऑफ लाइट्स है, मून है ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये सारे के सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज में आते हैं। टेबल है, वॉल है, फ्लावर है, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किस में आती हैं, ऑब्जेक्ट्स में आती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को आज तक ये ही नहीं पता होगा कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट आपको याद रखना है, एनी थिंग विच इमिट लाइट और रिफ्लेक्ट लाइट, कोई भी ऐसी चीज़ या तो वो लाइट को इमिट करे या तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, हम उससे क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल मैंने जैसे दिया, सन, स्टार, मून, टेबल, स्टोन, वॉल, फ्लावर एटेक्सा, दिस इज ऑल वट, दिस इज ऑल नोन एज ऑब्जेक्ट। अब हम बात करेंगे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट। स्टूडेंट्स, क्या, विच इमिट देयर ओन लाइट, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट हो, जो खुद से लाइट को प्रोड्यूस करें, उसे हम बोलते हैं हमारे पास क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टार है, स्टार की अपनी लाइट है, सन है, इसकी भी अपनी लाइट है, कैंडल है, ये इसकी भी अपनी लाइट है, दीज आर ऑल वट, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट। वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी लाइट नहीं होती, वो या तो वो क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या लाइट को स्कैटर करते हैं, कब, जब उनके ऊपर लाइट फॉल करेगी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर वॉल, चेयर, स्टोन, दिस इज ऑल रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जब इनके ऊपर लाइट फॉल करते हैं, या तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं या तो ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। सो गाइस, वन थिंग आपको याद रखनी है, मून, मून जो है ये नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये सन से लाइट लेता है और ये क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ये अपनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता, ये मीटर ऑफ लाइट नहीं है, ये रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, इसलिए इसको हम, मून को हम क्या बोलते हैं, ये है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास नेचर ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि लाइट दो किस्म के इसके नेचर होते हैं, एक होता है पार्टिकल नेचर और एक है हमारे पास वेव नेचर। अब डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो लाइट है ये कंपोज करती है पार्टिकल्स से, जिसे फोटॉन बोलते हैं। लाइट इज़ कंपोज ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन। अब फोटॉन क्या करते हैं, ये ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में बहुत हाई स्पीड के साथ। आपको ये याद रखना है कि लाइट किससे मिलकर बनी हुई है, फोटॉन से। फोटॉन क्या है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए हम लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी होता है। नंबर सेकंड है वेव नेचर। लाइट कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि जो लाइट है ये किससे मिलकर बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। अब लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ये बिना मीडियम के ही ट्रैवल कर लेती है। अब जो वेव लेंथ है लाइट की, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, ये लाइक करती है 400 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर के बीच में लाइक करती है। स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि लाइट के दोनों नेचर हैं, पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी है। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3×10⁸ मीटर/सेकेंड इन वैक्यूम के अंदर, ये स्पीड ऑफ लाइट है हमारे पास। जो हमारा कोर्स है इसमें हम सिर्फ पार्टिकल नेचर की ही बात करेंगे, और पार्टिकल नेचर ऑफ जो लाइट है इसको हम एक नाम देते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि रे ऑप्टिक्स में हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करती है। यही हमें पार्टिकल नेचर भी बताता है कि जो लाइट है वो फोटॉन से मिलकर बनी है और वो एक स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करते हैं बहुत हाई स्पीड के साथ। अब कौन कौन से ऐसे फिनोमिना हैं जो हमने डिस्कस करने हैं एज अ पार्टिकल नेचर, नंबर वन है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, नंबर सेकंड है डिस्पर्शन ऑफ लाइट, नंबर थर्ड है हमारे पास कैस्टिंग ऑफ शेडो, नंबर फिफ्थ है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड नंबर फिफ्थ पे है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। वन बाई वन मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या है, कि लाइट जब फॉल करने के बाद वापस आ जाती है। रिफ्रैक्ट का मतलब है कि लाइट एस्केप करती है, एक से दूसरे मीडियम में चले जाती है।
डिस्पर्शन का मीनिंग है लाइट का टूट जाना। केस्टिंग ऑफ शेडो का मीनिंग है जो हमारा साया पड़ता है, जब हमारे पर लाइट पड़ती है तो हमारा साया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, केस्टिंग ऑफ शेडो। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होगा, लाइट का किसी चीज़ के ऊपर पड़ना और फिर फैल जाना। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मीनिंग है। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, ऐसा प्रोसेस जिसमें लाइट वापस आ जाए, कब, व्हेन इट फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस, जब वो किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल करे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हम बोलेंगे द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल ऑन द स्मूथ और प्लेन सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऐसा प्रोसेस या ऐसा फिनोमिना जब लाइट हम किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करें तो वो लाइट क्या करे, वापस हमारे पास आ जाए, ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जांपल हम बाल को ये द्वार के ऊपर बाउंस करवाते हैं या मारते हैं हम द्वार के ऊपर, तो बाल हमारे पास वापस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ बाल। इसी तरीके से जब लाइट किसी सरफेस के ऊपर फॉल करेगी तो जब वो वापस हमारे पास आ जाएगी तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स स्कैटर रिफ्लेक्शन में बहुत बड़ा फ़र्क है, ये आपने याद है, स्कैटर का मतलब होता है लाइट जब किसी सरफेस के ऊपर पड़ती है तो वो फैल जाती है, बट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के केस में ऐसा होता है कि वो लाइट फैलती नहीं है, जिस स्पीड से जाती है उसी स्पीड से लाइट हमारे पास वापस आ जाती है। जैसे ये डायग्राम है आपके पास कि लाइट एक मिरर के ऊपर फॉल कर रही है, इसको हम बोलेंगे लाइट फॉल ऑन मिरर, और फॉल करने के बाद जब लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब दो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है ये चेंज नहीं होती, जिस वेलोसिटी के साथ लाइट फॉल करती है उसी वेलोसिटी के साथ लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट भी करती है। एंड नंबर सेकंड पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन लाइट अपना मीडियम को चेंज नहीं करती, अगर रेयर मीडियम में है तो उसी मीडियम में वापस आएगी, अगर डेंसर मीडियम में है तो डेंसर मीडियम में ही वापस आएगी। स्टूडेंट्स मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताऊंगा व्हाट इज़ रेयर एंड व्हाट इज़ डेंसर मीडियम। अब हम बात करते हैं हमारे पास मिरर क्या चीज़ है। अब मिरर इज़ अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास विच रिफ्लेक्ट लाइट। मिरर हम किसको बोलते हैं कि ये ग्लास का एक पीस ही होता है जो किस काम आता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काम आता है। स्टूडेंट्स अब मिरर को तैयार कैसे किया जाता है, मिरर की एक साइड पे हम सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं। क्यों करते हैं सिल्वर कलर सिल्वर मेटल की, बिकॉज सिल्वर मेटल इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, कि सिल्वर मेटल जो है ये बेस्ट रिफ्लेक्टर माना जाता है लाइट के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं कि जो ग्लास हम लेते हैं उसके एक साइड को हम इससे कोटेड कर देते हैं, और जो रिफ्लेक्शन है ये फ्रॉम द फ्रंट साइड, रिफ्लेक्शन जो टेक प्लेस होती है फ्रंट साइड से होती है, और हम क्या करते हैं इसी ग्लास के बैक साइड पर क्या करते हैं सिल्वर मेटल की कोटेड करते हैं। जैसे फिगर में आप देख रहे हो बैक साइड पर हमने कोटेड की है, और फ्रंट साइड ऑफ मिरर से क्या होती है हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने उन चीज़ों की बात की है जो एक्चुअली टीचर आपको पढ़ाते नहीं हैं, सो प्लीज़ आप इन कंसेप्ट को क्लियर कीजिए अच्छे से। आगे मैं डिस्कस करूँगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। हमारे पास दो किस्म की टाइप्स होती हैं रिफ्लेक्शन की, एक को हम बोलते हैं स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या हम इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, और नंबर सेकंड हमारे पास होती है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। सो स्टूडेंट्स स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, अब इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ रेगुलर सरफेस। अगर लाइट ऐसे किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट करे जो रेगुलर हो, स्मूथ हो या प्लेन हो, तो ऐसी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। इस केस के अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो एक डेफिनेट एंगल के ऊपर रिफ्लेक्ट करती है। इस केस के अंदर जो लाइट रिफ्लेक्ट करके आ रही है, जो पैरेलल रेज उससे रिफ्लेक्ट होती हैं, वो एक ही डायरेक्शन पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करती हैं, आगे पीछे फैलती नहीं है। सो तो याद रखना जब भी किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करेगी तो उस केस के अंदर जो रिफ्लेक्शन होगी वो एक पर्टिकुलर एंगल में होती है, और जो रेज निकलते हैं वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही हमारे पास रिफ्लेक्ट होते हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल आगे हमारे पास मिरर है, स्टेनलेस स्टील हो गया, ग्लास हो गया, इनसे जो रिफ्लेक्शन होती है वो कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन होती है। इसलिए हम इस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक रेगुलर वे में रिफ्लेक्शन होती है, लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट करती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन क्या होगी, ऐसी रिफ्लेक्शन जो इरेगुलर या रफ सरफेसिस की वजह से हो, और जो इसके अंदर लाइट है वो सारी डायरेक्शन में फैल जाती है। ऐसी रिफ्लेक्शन जिसके अंदर जो लाइट है जब वो रिफ्लेक्ट करे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ना हो, वो हर एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन उसकी होती है, ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। आपको डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में हमारे पास क्या होता है, डेफिनेट एंगल के ऊपर लाइट रिफ्लेक्ट करती है और इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन इसके उल्टा क्या होगा, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन में नंबर वन एक तो रफ सरफेसिस हमारे पास होती हैं, दूसरा जो लाइट है वो पर्टिकुलर एंगल में रिफ्लेक्ट नहीं करती, और जो रेज निकलती हैं
वो पूरी की पूरी डायरेक्शंस में फैल जाती है। स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल है स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन की, जो आजकल हम लैपटॉप्स यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर कुछ ऐसा मटेरियल का यूज़ किया जाता है जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही हमें लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, सारी डायरेक्शन में नहीं फैलती है। तो ऐसी रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ये क्या होती है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन होती है। सॉरी स्टूडेंट, डिफ्यूज़ नहीं, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, हमारे पास टेबल हो गया, टेबल टॉप होगी, शीट ऑफ पेपर होगी, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। ये हमारे पास है डायग्राम, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी हम इसे बोलते हैं, और नंबर सेकंड पे है डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन। जैसे आप स्टूडेंट देख पा रहे हो कि रेगुलर रिफ्लेक्शन केस के अंदर जो हमारे पास सरफेसेस है वो क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, या हम बोल सकते हैं एक प्लेन सरफेस है। इस केस के अंदर आप देख रहे हो जो इनकमिंग लाइट है हमारे पास वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रही है, और जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जा रही है, आगे पीछे मूव नहीं कर रही, आगे पीछे रिफ्लेक्ट नहीं कर रही। इसका उल्टा अगर आप देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में, लाइट जो इंसिडेंट लाइट है वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फॉल कर रही है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है वो अलग अलग एंगल्स के ऊपर उसकी रिफ्लेक्शन हो रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो सरफेस है वो हमारे पास क्या है, रफ सरफेस है। ऐसे ही हम रिफ्लेक्शन हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, डिफ्यूज़ रिफ्लेक्शन है। सो गाइस, आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।